रविवार की रात अज्ञात चोरों ने गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिए। एक सप्ताह में चोरों ने विद्यालय में दो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। थाना रामराज के गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है। रविवार की रात अज्ञात चोरों ने विद्यालय के 3 कमरों और एक रसोई का ताला तोड़कर उनके अंदर रखे 2 बड़े गैस सिलेंडर और 2 बड़े भगोने चोरी कर लिए। सुबह विद्यालय खुलने पर विद्यालय के स्टाफ को चोरी की घटना का पता चला तो उन्होंने घटना की जानकारी रामराज पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। विद्यालय के अध्यापक मनीष तिरोही ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। सहायक अध्यापिका बबीता ने बताया कि 2 फरवरी को भी अज्ञात चोरों ने विद्यालय में स्थित क्रीड़ा कक्ष का ताला तोड़कर उसके अंदर रखा स्पोर्ट्स का काफी सामान भी चोरी कर लिया था। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई थी। एसओ रामराज सत्येंद्र नागर ने बताया कि चोरी की तहरीर प्राप्त हुई है, मामले में जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही चोरी का खुलासा कर दिया जाएगा। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष सिरोही है। जी जैसे आज प्राथमिक विद्यालय में चोरी हुई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आज जैसे हम सुबह आए 9 बजे, 9:15 बजे तो यहाँ पे हमने देखा वो 3 कमरों के 4 कमरों के ताले टूटे पड़े थे और इसमें जो क्रीड़ा कक्ष का सामान इसमें चोरी है, 1 गैस का सिलेंडर, 1 बड़ा और 1 छोटा और भगोने, ये सारे चोरी कर रखे हैं। फिर हमने गांव वालों को करके इन्हें सबको दिखाया और फिर हमने अब थाने में वहाँ एप्लीकेशन दे दी और पुलिस को बुलवाई। किस गांव के स्कूल का मामला है? पुट्ठी इब्राहिमपुर कंपोजिट स्कूल। लगभग कितना नुकसान होगा? लगभग ये 2 सिलेंडर है और भगोने है, चोरी कीमत लगा के 5-6 हजार रुपये। उससे पहले स्पोर्ट्स का भी ले गए थे।